elections. It's not merely about going out on the street and saying Zindabad, Murdabad. One critical element of politics is politics of ideas, of engaging in creative expressions. I'll present my thoughts in four parts. I'll ask four questions and try to answer them. First, where do we stand today? Crossroads ka metaphor hai. So, kahan khade hain hum? Ye kahan aa gaye hum? Jaise ek gaane mein pucha tha. Second, how did we come where we have come? Hum yahan kaise pahunche? Third, why did we reach here? Why did we reach this state of affairs? ऐसा क्यों हुआ? ये कहां और कैसे से थोड़ा अलग सवाल है. ऐसा क्यों हुआ? And fourth, where do we go from here? यहां से आगे कहां जाएं, कैसे जाएं? जाहिर है मैं तीसरे और चौथे सवाल पे ज्यादा समय लगाऊंगा, लेकिन शुरुआत पहले दो से. Where do we stand now? Crossroad is a very interesting metaphor. It's a metaphor for choice and inability to make choice. It's a metaphor for uncertainty, for some degree of confusion, for some possibilities that we don't know what to make of. But I wanted to say that the crossroads where we stand today is a very Indian kind of crossroad. हमारे देश की जो क्रॉसरोड्स है वो वैसी नहीं होती. आप सबने अनुभव किया होगा कि हम गाड़ी चलाते चलाते अचानक एक चौराहे पे पहुंचते हैं. वहां छोटा सा कभी कभी राउंड अबाउट बना होता है, कभी नहीं बना होता. उस राउंड अबाउट पे कोई सिपाही नहीं होता. कॉर्नर पे एक पंक्चर रिपेयर करने वाले की शॉप होती है, वहां पे कोई पप्पू बैठा होता है. वो आपको कुछ जवाब नहीं दे सकता कि आपको कहां जाना है. और आप देखें कि आप कहां जाएं, किससे पूछें, उससे पहले कोई कॉन्फिडेंटली आपके पास आता है, क्यों जी कहां जाना है? और जहां आपको जाना है एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको भेज देता है बहुत कॉन्फिडेंटली. दिस इज द क्रॉस रोड एट विच इंडिया स्टैंड टूडे. वी हैव ए पप्पू हु कैनॉट टेल यू वेयर टू गो. And we have a very confident person who wants to send you exactly in the opposite direction of where you want to go. And at the crossroad is, who is this we which is at the crossroads? It is the very idea of India. It's the India itself. I want to say that where we stand today, हम crisis शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, मगर कई बार पूरा हम समझते नहीं कि crisis क्या है, कैसा है. Crisis सिर्फ इतना नहीं है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में है या उन जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनके बैठा है. क्राइसिस सिर्फ ये नहीं है कि सेंसर बोर्ड जिस तरह की हरकतें कर रहा है, किस तरह के लोग सेंसर बोर्ड के केंद्र पे बैठे हैं. क्राइसिस सिर्फ ये नहीं है कि अखलाक का मामला होता है, पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जाता है और ऊपर से नीचे तक के लोग बयान देते हैं इस देश में सांप्रदायिकता को भड़काने के. क्राइसिस सिर्फ ये नहीं है कि इस देश की करेंसी बदल जाती है और करेंसी बदलने वालों को बाकी सब चीजें ध्यान आती हैं, उन्हें किसान दिखता नहीं है, दिहाड़ी का मजदूर दिखता ही नहीं है, ये उनकी निगाह से बाहर है ये सब करते वक्त. क्राइसिस इस सब से गहरा है. आई वॉन्ट टू सबमिट दैट वॉट वी आर विटनेसिंग इज एन ऑनस्लॉट ऑन द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया. आज
जिसे हम भारत कहते हैं, जिस भारत पे हमने गर्व किया है, जिस भारत को इस देश के आजादी के आंदोलन ने बनाया था, आज उस भारत के सपने पे सबसे बड़ा हमला हो रहा है 70 साल का। ये बात शायद हम में से बहुत लोग महसूस करते हैं। आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू से दिस। So I'll quickly move on from this first question to the second one and ask, how did we reach there? And draw your attention to something very, very surprising. अगर आप भारत की कहानी को बाहर से देखें तो इस क्राइसिस में हमें आज नहीं होना चाहिए था। The strange thing is that almost in every single respect, according to the story as it is told to us, we should not be in the present crisis. Strangely, when national borders are more secure than ever before, 50s, 60s में आप डर करते कि देश की सुरक्षा को बाहर से खतरा है। मैं समझ सकता हूं, 62 वॉर हुई थी, 65 वॉर हुई, 71 में वॉर हुई, तब अगर कोई कहता कि देश को बाहर के खतरे से खतरा है, आक्रमण का खतरा है, मैं समझ सकता था। आज जबकि आपके देश के बॉर्डर्स जितने सुरक्षित कभी नहीं रहे उतने सुरक्षित हैं, उस वक्त देश में जिंगोइज्म चल रहा है। उस वक्त राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा, पाकिस्तान ये कर देगा वो कर देगा। सो दिस जिंगोइज्म कम्स एट ए मोमेंट विच इज द मोस्ट ऑड मोमेंट इन दैट सेंस। एक समय था जबकि ऐसा लगता था कि भारत की आंतरिक एकता को खतरा है। 60s में लोग कहते थे कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनेंगे, उससे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो डर गलत था, लेकिन वो डर था। Lot of people felt in the first 20 years that India's very unity was threatened from internal dissent, internal differences, internal cleavages, divisions. Anyone who has any sensible view of India today, sociological view of India today, would say that this is not likely to happen tomorrow. But this is the moment when this campaign about India about to be torn apart is being carried out. It's the most strangest of moment to do so. Agar Bharat ki democratic routine sabse secure hai, pichle democratic routine ka matlab 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में काउंटिंग होगी, काउंटिंग में जो पार्टी जीत जाएगी उसका चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। कोई ये खड़ा होके नहीं कहेगा कि जीत गए लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो मेरा ही बनेगा, ये सब नहीं होता हमारे यहाँ। एक रूटीन है जो बन गया है। आपकी उम्मीद ये होनी चाहिए दैट व्हेन डेमोक्रेटिक रूटीन इज सिक्योर्ड, दैट इज व्हेन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आल्सो गेट स्ट्रेंथेंड। What we are witnessing is precisely at a moment when democratic routine has been secured, that is when democratic institutions, democratic practices, and even elementary democratic rights are under challenge. You would imagine that when India was poorer, आज से 50 साल पहले जब भारत ज्यादा गरीब था, उस वक्त अगर कोई कहता कि अभी हम गरीबों की चिंता, बहुत हर एक की चिंता नहीं कर सकते, अभी सिर्फ हमें ग्रोथ चाहिए, अभी सिर्फ पैसा इकट्ठा करें, अभी सिर्फ इकोनॉमी को बड़ा करें, वो सही थी या गलत थी 50 साल पहले आप समझ सकते थे कोई व्यक्ति ऐसी बात करे। बट स्ट्रेंजली जस्ट व्हेन our country has gathered some bit of prosperity, that is when we have completely turned, we are completely turning our back to the poor.
when we could afford to do something for the poor, that is precisely when we are turning our back to the poor. Just when India acquired some visibility on the global stage, that is the moment when our voice in the international arena is weaker than ever before. आज से 60 साल पहले हिंदुस्तान कोई बहुत ताकतवर देश नहीं था दुनिया में, लेकिन फिर भी हमारा लीडर जब बोलता था उसके पास एक अलग आवाज थी, पूरी दुनिया के पास कहने को एक अलग बात थी उसके पास। आज जब हमारी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक क्लाउड दुनिया में थोड़ा ज्यादा है, एट दिस मोमेंट when our prime minister speaks, what he speaks is a very poor, faded copy of what other powerful nations speak. There is nothing distinctive in the Indian voice on the global stage. So I'm making only a very simple point. There is something very odd about where we are today. As I said, I'll go through the first two things very quickly. Where are we today? How have we come where we have come? Let me turn to why. This is what we really want to know. Why are we here? Hum yahan kaise pahunche? And this is where my answer may be somewhat different from what you hear. It may complement other answers. I'm not claiming that other answers are wrong. My reading is that this idea of India was essentially an idea which was rooted in politics. ये जो हिंदुस्तान के सपने की हम बात करते हैं, ये राजनीति में बना हुआ सपना था, और इस सपने के का आधार था एक राजनीतिक विचार और दूसरा राजनीति का व्यवहार. राजनीति और राजनीतिक विचार, ये दो चीजें आधार थे भारत के सपने के, और आज हम यहां पहुंचे हैं क्योंकि ये दोनों स्तंभ जो हैं ये टूट गए हैं. ये दोनों स्तंभ का क्षय हो गया है. माई आर्ग्यूमेंट, माई बेसिक पॉइंट इज दैट वी आर वेयर वी आर बिकॉज टू ऑफ द पिलर्स ऑन विच द आइडिया ऑफ इंडिया स्टूड हैव बीन इरोडेड. दीज आर पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट एंड द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स. लेट मी से समथिंग अबाउट ईच ऑफ दीज. जिस भारत के सपने की हम बात करते हैं, जो हमारी एक पॉलिटिकल कॉमन सेंस बन गई है, हम सब लोग जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, अपने आप को अलग अलग नाम से बोलते हैं, हम सब की एक समझ बन गई है कि हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए. ये समझ कैसे बनी, कब बनी? ये समझ कोई 1850 से लेके सन 2000 के बीच में जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ट्रेडिशन था उससे बनी. जैसे पश्चिम की जो सोच थी राजनीति के बारे में, वो सोच बनी मॉडर्न वेस्टर्न सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको हॉब्स से पढ़ते हैं, हॉब्स से मार्क्स तक, या जिस भी तरह से लोग पढ़ते हैं. कोई भी समाज इंटेलेक्चुअल, किसी भी समाज की बुनियाद को आपको समझना है तो उसकी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को देखना होता है. भारत की आज की जो सोच बनी थी वो इस 150 साल के चिंतन से बनी थी. ये जो चिंतन की परंपरा है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये चिंतन की परंपरा सिर्फ देशज नहीं थी, क्योंकि इस चिंतन की परंपरा ने हमें आधुनिक यूरोप से रिश्ता बनाना भी सिखाया.
So it's modern, it's very modern, it's very Indian. It was political primarily. और ये अनूठी चीज है. मैं नहीं कह रहा कि सारी दुनिया हमेशा political thought से shaped होती है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पिछले 150 और शायद अगले 50 साल में हमारे देश में राजनीति के लिए एक अनूठा रोल है. There is a unique role for politics for these 200 years, maybe 250 years, we don't know how long. But this is the time when politics has shaped our country, our dreams, our vision of what it means to be Indian. And the point I wanted to make was that unfortunately, or for reasons that we can spell out, this tradition has ceased to be vibrant. To put it more provocatively, I will say, modern Indian political thought is now dead. आधुनिक भारत की राजनीतिक चिंतन की जो परंपरा, जिसने इस देश को सींचा, इस देश को सपने दिए, जिसके झगड़ों से, जिसके संघर्ष से, चाहे गांधी और अंबेडकर का संघर्ष हो, चाहे समाजवादी और कम्युनिस्टों का संघर्ष हो, चाहे हिंदुत्व की परंपरा, सेकुलरवाद की परंपरा में वैचारिक संघर्ष हो, इन सब संघर्षों ने इस देश का निर्माण किया, इस देश के सपने का निर्माण किया. पिछले 20, 25, 30 साल से ये परंपरा एकदम सूख गई है. जिसने वो नदी जिसने इस देश को सींचा, वो नदी सींच गई है, सूख गई है. और दुर्भाग्यवश इस देश में राजनीतिक चिंतन का काम यूनिवर्सिटियों के हिस्से आ गया है और उनके बस का सोचना नहीं है. इस देश में राजनीतिक चिंतन उन लोगों ने किया है जिन्होंने जमीन पे राजनीति की है. कार्यकर्ताओं ने, राजनेताओं ने, राजनीतिक संघर्ष करने वालों ने इस देश में राजनीतिक चिंतन किया है. यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने कभी नहीं किया. और जब से राजनीतिक चिंतन का काम मेरे जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के हिस्से आया, तब से इस देश में चिंतन की परंपरा सूख गई. क्योंकि वो अपने चिंतन के लिए हमेशा वेस्टर्न यूनिवर्सिटी को देखते हैं, उसके सिलेबस को देखते हैं, उसके रिसर्च स्कॉलर्स को देखते हैं, वहाँ पेपर छापने को देखते हैं, और उस परंपरा का जो संबंध इस देश से था वो अचानक कट गया. So, on the one hand, the tradition of the intellectual tradition that fed into the idea of India has dried. Secondly, the political practice that shaped, gave energy and power has been, it has not dried, but it has been transformed. It has been domesticated. जो राजनीतिक संघर्ष आंदोलन की जो परंपरा थी, जमीन पे काम करने का जो जज्बा था, वो धीरे धीरे लोकतांत्रिक चुनावी राजनीति में पालतू बन गया है. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स, जिसका परिणाम ये हुआ है कि वो जो भारत का सपना जो 1950 के दशक में हमें मिला था, जिसमें आपस में थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे, जिसको इस देश के संविधान में लिपिबद्ध किया गया था, क्योंकि हमारा संविधान सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारा संविधान एक सपने को इंस्क्राइब करने की कोशिश है. और इसमें डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोगों की जो महान भूमिका है वो यही है कि वो सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे, वो पूरी एक आंदोलन और पूरी एक सभ्यता की समझ को आज के संदर्भ में लिपिबद्ध कर रहे हैं. वो जो लिपिबद्ध सपना था वो अचानक थक गया है, एक तरह से एग्जॉस्ट हो गया. दैट ड्रीम दैट वी हैड इनहेरिटेड इज इन मेनी वेज, जैसे दवाइयों की होती है ना एक्सपायरी डेट होती है, इट सडनली एक्सपायर. तो फिर सवाल उठता है हम यहां से आगे कैसे बढ़ें. ये जिस क्रॉस रोड्स पे हैं, जिस पे पंचर की दुकान है
और जिसमें एक 56 इंच वाला है, इन दोनों को देखते हुए हम अपनी दिशा कैसे तय करें? मैं इन दोनों चीजों के बारे में एक एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। जो मैंने कहा है कि हमारे देश की वैचारिक प्रेरणा का स्रोत सूख गया है, हमारी राजनीतिक ऊर्जा दिग्भ्रमित हो गई है, इन दोनों को कैसे जिंदा किया जाए, उसके लिए एक एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। आई एम सजेस्टिंग दैट व्हाट वी नीड टू डू इज टू reinvent, is to renew the idea of India. आजकल की generation की भाषा में कहने के लिए कई बार मैं मुहावरा इस्तेमाल करता हूं कि idea of India 1.0 जो था वो expiry हो गई उसकी, now you need idea of India 2.0, and simultaneously we need to reinvigorate the yug dharma of politics. इन दोनों में एक एक शब्द जोड़ना चाहता हूं। राजनीतिक चिंतन में मैं एक शब्द को लाना चाहता हूं, स्वराज, और राजनीति में, पॉलिटिकल प्रैक्टिस में, वो शब्द लाना चाहता हूं, युग धर्म। इन दोनों के बारे में एक एक बात कहके, जब हम स्वराज शब्द के बारे में सोचते हैं तो 20वीं सदी के स्वराज के विचार के बारे में हमारी धारणा पहले ये बनती थी कि अच्छा ये तो राष्ट्रवादी विचार है, स्वराज का मतलब मेरे देश के लिए आजादी, अंग्रेज चले जाए। महात्मा गांधी ने कुछ और कहा था लेकिन वो रजिस्टर नहीं हुआ हम सबके मन में, जिसका नतीजा ये हुआ कि 20वीं सदी में इस देश को बनाने के सपने और विचार अलग अलग परंपराओं में चले। मेरा सुझाव है कि जो स्वराज का विचार, अगर हम उसे नए संदर्भ में ढालें तो शायद वो एक छतरी है जिसके तहत पूरी 20वीं सदी की वैचारिक धरोहर को हम अपने लिए प्रासंगिक बना सकते हैं और उस धरोहर में जो कुछ बेकार है उसको हम छांट सकते हैं। कैसे? 20वीं सदी से जो विचार आया स्वराज का, वो एक वन डायमेंशनल विचार था। जो लोग अभी भी स्वराज में तिलक को ज्यादा याद करते हैं, गांधी को कम याद करते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेके रहूंगा, जिसमें स्वराज का मतलब मेरे देश के लिए स्वराज, और स्वराज किससे? बाहरी शक्तियों से मुक्त हो जाऊं तो स्वराज। लेकिन इसका आप विस्तार कीजिए। 20वीं सदी ने इस स्वराज के विचार को हमें अलग अलग स्तर पे सोचना सिखाया है। स्वराज का मतलब सिर्फ मेरे देश के लिए स्वराज नहीं है, स्वराज का मतलब मेरी दुनिया के लिए स्वराज है, स्वराज का मतलब मेरे समाज के लिए स्वराज है, गरीब के लिए, दलित के लिए, औरत के लिए, हर तरह के समाज के लिए स्वराज है, और स्वराज का मतलब अंततः स्वयं मेरे लिए स्वराज है, अपने निजी, अपनी खुदी के लिए स्वराज है। और स्वराज केवल किसी बाहरी शक्ति से मुक्ति का नाम नहीं है, स्वराज एक अंततः एक पॉजिटिव प्रक्रिया है, स्वराज सिर्फ एक नेगेटिव फ्रीडम का नाम नहीं है, ये एक पॉजिटिव फ्रीडम का नाम है। दैट इफ वी आर विलिंग टू लुक एट स्वराज नॉट मियरली एट द वन प्लेन ऑफ स्वराज फॉर something called nation state, but at the global level, at the national level, at the societal level, and at the level of the self. And if we are going to look at Swaraj not merely in the sense of absence of constraints from outside, but also as positive enabling freedom that enables us to realize our own ideals, then suddenly this ideal of Swaraj becomes an all-encompassing idea. अब गांधी और अंबेडकर में क्या एक दूसरे से झगड़ा था? इस 20वीं सदी के झगड़े पे हम 21वीं सदी में कितना समय लगाना चाहते हैं हम तय कर लेते हैं। मैं ज्यादा समय इस पे नहीं लगाना चाहता, दोनों नहीं है आजकल, हमें आगे देखना है। अगर इस विचार को हम आगे रखेंगे तो हम 20वीं सदी का की विरासत ले सकते हैं
और उसकी जो लाश है उसे ढोने से बच सकते हैं। ये विचार के बारे में बोला मैंने। अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वो पॉलिटिकल प्रैक्टिस के बारे में है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कैसे करें, पॉलिटिक्स को हम रीइन्वेंट कैसे करें। मैंने कहा राजनीति युग धर्म है। दुनिया के किसी भी एज में, ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स दुनिया के हर देश में सबसे बड़ी चीज होती है। अमेरिका में नोटिस भले ही आज हो रही हो, सबसे बड़ी चीज नहीं है अमेरिका। यूरोपियन सोसाइटीज में आज पॉलिटिक्स सेंट्रल चीज नहीं है उनके समाज की। लेकिन ये जो हमारा देश है पिछले 150 साल से और आने वाले 50 साल 100 साल जानते नहीं, पॉलिटिक्स इज द सेंटर ऑफ शेपिंग दिस सोसाइटी। इसलिए लिटरेचर में, फिल्म में सबसे खूबसूरत, सबसे बड़े चेंजेस जो आए हैं वो उन लोगों के आए हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी मेनी ऑफ दोज फेसेस हियर जो पॉलिटिक्स से टच में आए हैं। पॉलिटिक्स इज दैट लाइव वायर दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड दिस सोसाइटी। दैट्स व्हाई आई कॉल इट द युग धर्म। लेकिन ये पॉलिटिक्स जो डेड हो रही है क्योंकि पॉलिटिक्स को हमने केवल इलेक्टोरल एरिना तक लिमिट कर दिया है। मैं प्रस्तावित करना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स को हम एक 5 सूत्री एक्टिविटी के रूप में देखें, पंचमुखी राजनीति। पहला, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, सरकार गिराना, बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए, किसी को जरूर करना चाहिए, इससे अपने पांव कभी भी हटाना नहीं चाहिए। दूसरा, संघर्ष की राजनीति। आज इस हॉल में मैं बहुत साथियों को देख रहा हूं, कार्यकर्ता जो संघर्ष से जुड़े हुए रहे। संघर्ष की राजनीति सत्ता की राजनीति के साथ यदि नहीं चलेगी तो सत्ता की राजनीति बिल्कुल बिल्कुल सड़ जाएगी, जो आज इस देश में हो गया है। ये दो बातें इस हॉल में बैठे हुए ज्यादातर लोग मान लेंगे। लेकिन तीसरी है रचना, रचना और निर्माण, कंस्ट्रक्टिव वर्क। ये राजनीति का अनिवार्य हिस्सा है, नहीं तो संघर्ष की राजनीति बीमार हो जाती है जब वो रचना और निर्माण का काम नहीं करती। चौथा, ज्ञान का निर्माण, नए विचारों का निर्माण। नहीं तो राजनीति खोखली हो जाती है, जैसे इस देश में हो गई है, जब तक नए विचार राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति का काम है नए विचारों के निर्माण के लिए दरी बिछाना और उन विचारों को एम्प्लीफाई करना, उनके लिए लाउड स्पीकर देना। ये राजनीति का अनिवार्य अंग है। और पांचवा, जो आपको अटपटा लगेगा लेकिन पिछले कुछ समय से मैं बहुत ध्यान से सोच रहा हूं, वो है अपने इनर सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करने की पॉलिटिक्स। राजनीति में हम सारी दुनिया को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रोलेटेरियट जो है अपना धर्म छोड़ दे, अपनी जाति छोड़ दे, लेकिन मैं अपनी हैबिट्स ना छोड़ूं, मैं अपना झंडा ना छोड़ूं, मैं अपना लेटर हेड ना छोड़ूं, अपनी ईगो ना छोड़ूं, लेकिन वो सब कुछ छोड़ दे, वो नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स इन द लास्ट इंस्टेंस हैज टू बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर इनर सेल्फ। द पैथोलॉजी ऑफ टुडे इज दैट वी हैव लेट आउट दीज एक्टिविटीज। आज हमने इस देश में पांचों काम उधार पे दे दिए हैं। चुनाव लड़ने का काम हमने पार्टीज के हाथ में दे दिया है कि तुम जाके लड़ो। संघर्ष करने का काम हमने आंदोलन वालों को दे दिया है। पार्टियां सिर्फ मशीन बन गई हैं पैसे की और सत्ता की। आंदोलन में भी पैथोलॉजी आ जाती है, बीमार हो जाते हैं आंदोलनकारी जो केवल आंदोलन करते रहते हैं। रचना का काम हमने एनजीओज को दे दिया है, उनमें से आधे क्या करते हैं आप जानते हैं, दुकान होती है वो तो। ज्ञान का काम हमने यूनिवर्सिटीज को दे दिया है, उन बेचारों को एग्जामिनेशन स्क्रिप्ट मार्क करने से फुर्सत नहीं मिलती। ज्ञान से इस देश की यूनिवर्सिटियों का कोई संबंध नहीं बचा है। और इनर सेल्फ का काम हमने बाबा और गुरु के हाथ में दे दिया है, कम से कम आधे फ्रॉड है। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज पॉलिटिक्स हैज टू बी अबाउट रिकवरी ऑफ ऑल दीज फाइव। ये पांचों चीजें जब एक साथ नहीं की जाएंगी, जब तक आप इसको किराए पे उधार पे दे देंगे कि तुम ये कर लो बाकी मैं कर लूंगा, नहीं होगा। इन पांचों चीजों को एक साथ यदि हम करेंगे तो हम एक ऐसी राजनीति की स्थापना करेंगे जो इस देश को बनाने का जो सपना था उसे आगे लेके जाएगी। तो स्वराज 2.0 और पॉलिटिक्स एज युग धर्म, ये दो चीजें
हमारे लिए आज की इस अवस्था से जिस क्रॉस रोड पे हम हैं, ये दो मेरे लिए नॉर्थ स्टार है, ये मेरा नॉर्थ स्टार है जो मुझे आगे लेके जाएगा, मुझे दिशा दिखाएगा।